अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू आई होप यू ऑल विल बी फाइन ओके जी टुडे इज़ आवर ट्वेंटी सेवन लेक्चर सॉरी ट्वेंटी सेकेंड लेक्चर सैटरडे टुडेज और आज हम करेंगे uh, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर एट के फोर पार्ट्स किए थे ए बी सी डी और हम आज उसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे सो so, होपफुली uh, आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से समझा होगा और उनको नोट डाउन भी किया होगा और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी ओके okay, आज हम करेंगे पार्ट ई सो असेंडिंग ऑर्डर हमने करनी है इन फ्रेक्शन की और चूँकि ये अनलाइक फ्रैक्शन हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड डिफरेंट न्यूमिनेटर्स सो पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक like फ्रैक्शन में हम इनकी इक्वल फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे इनकी असेंडिंग ऑर्डर ओके जी सबसे पहले तो फिर हम लिखेंगे इनके फोर सिक्स एंड एट इनके हम टेबल्स लिख लेते हैं फोर वन ज़ार फोर फोर टू हज़ार एट फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व फोर फोर हज़ार सिक्सटीन फोर फाइव हज़ार ट्वेंटी सिक्स वन जो सिक्स सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व सिक्स थ्री हज़ार एटीन सिक्स फोर हज़ार ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव हज़ार थर्टी एट वन ज़ा एट एट टू हज़ार सिक्सटीन एट थ्री हज़ार ट्वेंटी फोर एट फोर हज़ार थर्टी टू एट फाइव हज़ार फोर्टी ठीक है अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है सो दैट इज़ कौन सा ऐसा नंबर है अभी तो देखें इस छोटी सी चुपटी ने हमें बहुत तंग किया हुआ है बार बार ऊपर नीचे आ रही है ओके ट्वेंटी फ़ोर और ट्वेंटी फ़ोर इधर है पर अभी इधर नहीं है सो so, हम फाइव से आगे जाते हैं फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी फ़ोर सिक्स ज़र ट्वेंटी फोर फोर सेवन ज़ार ट्वेंटी एट एंडस वन इसी तरह सिक्स फाइव ज़र थर्टी सिक्स सिक्स ज़र थर्टी सिक्स सिक्स सेवन ज़ार फोर्टी टू ठीक है एट फाइव ज़र फोर्टी एट सिक्स हज़ार फोर्टी एट एट सेवन ज़ार फिफ्टी सिक्स सो सबसे छोटा नंबर जो तीनों में आ रहा है दैट इज़ ट्वेंटी फोर ठीक एल सी एम ट्वेंटी फोर अब हमने क्या करना है हमने इक्वल फ्रैक्शंस बनानी है और वो इक्वल फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे थ्री बाई फोर की इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो हमने ये देखना है कि हम इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर में ट्वेंटी uh, फोर आ जाए सो फोर को सिक्स से किया था तो आगे ठीक है तो थ्री सिक्स सर फोर सिक्स सर थ्री सिक्स सर एटीन फोर सिक्स सर ट्वेंटी फोर ठीक इसी तरह नेक्स्ट वन सी है फाइव बाई सिक्स सिक्स को फोर से किया था तो फाइव फोर सर सिक्स फोर सर फाइव फोर सा ट्वेंटी सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर थ्री बाय एट इसी तरह हमने एट थ्री जै ट्वेंटी फोर सो थ्री थ्री साट थ्री सा थ्री थ्री सा नाइन एट थ्री जै ट्वेंटी फोर ओके जी अब हम इक्वलन फ्रैक्शंस लिख लेते हैं एटीन बाई ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी बाई ट्वेंटी फ़ोर नाइन बाई ट्वेंटी फ़ोर आज इस टेंटी ने लगता है हमारे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओके okay जी अब हम इनकी लिखेंगे थ्री बाय फोर फाइव बाय सिक्स थ्री बाय एट जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है जी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है नाइन बाय ट्वेंटी फोर एटीन बाय ट्वेंटी फोर ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फोर और नाइन बाय ट्वेंटी फोर किसके इक्वल एंड थ्री थ्री बाई एट एटीन बाई ट्वेंटी फोर थ्री बाय फोर हमने वो वो वाली प्लेस देख लेनी है जैसे ये फर्स्ट पे है तो इधर से जो फर्स्ट है ये सेकंड पे जो सेकंड थर्ड थर्ड ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फोर फाइव बाय सिक्स सो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ओके okay, जी नेक्स्ट है थ्री बाय टेन वन बाय फोर सेवन बाय ट्वेंटी ठीक तो इसी तरह फोर टेन ट्वेंटी फोर वन जर फोर फोर टू ज़ार एट फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व फोर फोर ज़ार सिक्सटीन फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50. 21s are 20, 22s are 40, 3s are 60, 4s are 80, 5s are 100, okay? Okay ji, kaun se? 20, 20, 20. So LCM is 20, okay? अब हमने क्या करना है थ्री बाय टेन टेन टू जेर थ्री टू जे टेन टू जर थ्री टू जेर सिक्स टेन टू जेर ट्वेंटी ओके ओके जी नेक्स्ट वन बाय फोर 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 फाइव जर वन इंटू फाइव फोर इंटू फाइव फोर फाइव जेड ट्वेंटी ओके जी नेक्स्ट सेवन बाई ट्वेंटी वन जेड ट्वेंटी वन से ठीक अब हमने क्या करना है जो हमने ये फ्रैक्शंस लिखी हैं इक्वलेंट उनको लिखेंगे सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी सेवन बाई ट्वेंटी और जो हमारी ओरिजिनल थी जो क्वेश्चन था हमारा थ्री बाई टेन वन बाई फोर सेवन बाय ट्वेंटी ठीक है अब इनकी असेंडिंग लिखते हैं अब लाइक like फ्रैक्शन की असेंडिंग तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए बिकॉज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ओके जी कौन सा इनमें से कौन सा सबसे छोटी इनमें से कौन सी सबसे छोटी फ्रैक्शन है फाइव बाय ट्वेंटी उसके बाद सिक्स बाय ट्वेंटी उसके बाद सेवन बाय ट्वेंटी और फाइव बाय ट्वेंटी वन बाय फोर सिक्स बाय ट्वेंटी थ्री बाय टेन सेवन बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू सेवन बाई ट्वेंटी ठीक है सो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ चुके होंगे ओके okay, जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टू बाई थ्री एट बाई ट्वेंटी वन फोर बाय सेवन वेरी सिंपल मैं सिर्फ आपको एल इन दो क्वेश्चंस के निकाल के दूंगी बाकी प्रोसीजर आप लोगों ने खुद करना है ओके okay? क्योंकि अगर मैंने सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिए तो फिर बच्चों आपके लिए क्या रहेगा ओके okay जी इनमें से हमने थ्री सेवन ट्वेंटी वन थ्री वन जे थ्री थ्री टू जर सिक्स थ्री थ्री जर नाइन थ्री फोर जर ट्वेल्व थ्री फाइव जर फिफ्टीन सेवन जैसे सेवन टू ज़र फोटीन सेवन थ्री ज़र ट्वेंटी वन सेवन फोर ज़र ट्वेंटी एट सेवन फाइव ज़र थर्टी फाइव ट्वेंटी वन ज़र ट्वेंटी अगर हम अगर एक थोड़ी सी थोड़ा सा अपना दिमाग अगर हम लड़ाएँ तो हमें इस क्वेश्चन से ही पता चलेगा चल रहा है कि हमारा जो एल सी एम है वो ट्वेंटी वन आना चाहिए ठीक है ना तो हमने यहाँ पे देखें यहाँ भी ट्वेंटी वन है यहाँ भी ट्वेंटी वन है फिफ्टीन थ्री सिक्स एंड थ्री सेवन ट्वेंटी वन, सो दिस, एल जीएम इन्स ट्वेंटी वन अब आप उसी तरह इक्वल एंड फ्रैक्शन बनाए एट बाय ट्वेंटी वन फोर बाय सेवन थ्री सेवन जार इस फ्रैक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई करने है सेवन से न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी यहाँ पे ऑलरेडी ट्वेंटी वन है तो इस पूरी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है वन से फोर बाय सेवन सेवन थ्री जार तो इस पूरी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है थ्री से पहले इनके इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाए उन इक्वलेंट फ्रैक्शन को इधर लिखें और फिर उनकी असेंडिंग ऑर्डर कर दें ठीक है इसी तरह ट्वेल्व एट एंड ट्वेंटी फोर एट ट्वेल्व ट्वेंटी फोर एट वन ज़ार एट एट टू ज़र सिक्सटीन एट थ्री हज़ार ट्वेंटी फ़ोर एट फोर हज़ार थर्टी टू एट फाइव हज़ार फोर्टी ट्वेल्व वन ज़ार ट्वेल्व ट्वेल्व टू ज़र ट्वेंटी फ़ोर ट्वेल्व थ्री हज़ार थर्टी सिक्स ट्वेल्व फोर हज़ार फोर्टी एट ट्वेल्व फ़ाइव हज़ार सिक्सटीन ट्वेंटी फोर वन सा ट्वेंटी फोर सो इधर ही हमारा एल सी एम आ गया एल सी एम क्या आ गया हमारे पास ट्वेंटी फोर अब हमने उसी तरह इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है फाइव बाई ट्वेल्व इस फ्रैक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई करने टू से ट्वेल्व टू जै ट्वेंटी फोर तो इस पूरी फ्रैक्शन को टू से मल्टीप्लाई करके इक्वलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे थ्री बाई एट एट थ्री जै ट्वेंटी फोर इस पूरी फ्रैक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन इक्वलेंट बना लेंगे और अलेवन बाई ट्वेंटी फोर इस पूरी फ्रैक्शन को वन से मल्टीप्लाई करके इक्वल फ्रैक्शन बना लेंगे और फिर उसी तरह हमने फ्रैक्शंस लिखनी है और उनकी असेंडिंग ऑर्डर करनी है ठीक है so सो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर एट के ई एफ जी एच दो पार्ट्स मैंने आपको करके दिए और जी और एच इन क्वेश्चन को कम्प्लीट आपने खुद करना है सो so आज हमने अपनी एक्सरसाइज थ्री ए कंप्लीट कर ली है और Uh, आज आपके पास अभी संडे का दिन है तो आप अपने इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज को अपने इन क्वेश्चंस को और अगर आपके पास कोई पीछे भी अ, कोई काम रह गया है तो संडे को आप उनको उसको कंप्लीट कर सकते हैं एंड डियर स्टूडेंट्स अगर आपको uh, कोई बात समझ नहीं आ रही या कहीं से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप उसको डिस्कशन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें ताकि मैं उसको क्लियर कर दिया करूँ ओके थैंक यू